कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में एकमात्र बची हुई हैं जो कांग्रेस की कमान को संभाले हुई हैं। इसी कड़ी में पूर्व बीजेपी सांसद अशोक कुमार सिंह के बेटे मनीष को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। मनीष सिंह अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है और कहा है कि मनीष सिंह के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं मनीष सिंह का कहना है कि प्रियंका गांधी के कार्यों से प्रभावित हूं, इसलिए प्रियंका गांधी और इनकी पार्टी में शामिल हुआ हूं। हाथ कुछ भी लगे, कुछ मिले या न मिले, लेकिन पार्टी मजबूत हो या कमजोर हो फर्क नहीं पड़ता, हम काम करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। आपने लिया है तो इससे क्या ये मान के चल रहे हैं कि मजबूत पार्टी होगी, आज क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, हमारा काम है, हम प्रियंका गांधी जी के विचारधारा से, उनके सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश में कूदने के बाद, ऐलान के बाद से उनसे प्रभावित हैं और उनके काम करने के तरीके से प्रभावित हैं। हमारा काम पार्टी में काम करना, मेहनत करना, संगठन को मजबूत करना, और पार्टी कब मजबूत हो रही है, कब कमज़ोर हो रही है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम लोग संगठन में काम करके मजबूती देंगे तो पार्टी हमेशा हमारी मजबूत ही रहेगी। कांग्रेस ने कुछ शर्तें तो नहीं रखी? नहीं नहीं, हम कोई शर्त नहीं है ना, हमने कांग्रेस से कोई शर्त रखी, हमने तो साफ साफ ये कहा है कि हम काम करना चाहते हैं, जो भी दिशा निर्देश प्रियंका जी का होगा उस पर काम करेंगे। संगठन में कोई पद दिया जाएगा तो उसकी क्या कहते हैं जिम्मेदारी निभाएंगे, और अगर जिले में कोई काम दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, विधानसभा में दिया जाता है तो उसकी निभाएंगे, ब्लॉक में दिया जाता है तो उसकी निभाएंगे। ये बसपा छोड़ने का निर्णय आखिर कैसे आया कि बसपा छोड़ जाए कांग्रेस? देखिए, बसपा छोड़ने का खाली एक कारण था कि पिछले एक साल से आपने भी देखा होगा, राजनीतिक शून्यता आ गई थी जैसे हमारे जीवन में, कहीं सक्रियता नहीं थी और जो भी कार्यकर्ता हमारा था वो निराश था। तो ये समझ में आया कि किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाया जाए, लोगों का विचार बना, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने सबने बैठ के तय किया, तो ये हुआ कि प्रियंका जी के नेतृत्व में काम किया जाए, क्योंकि इस समय प्रियंका जी ने अपना नेतृत्व बागडोर पूरे प्रदेश के अपने हाथ में ले ली है। तो उनके करिश्माई मान के चलिए काम से हम लोग प्रभावित हुए और हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करने का पूरा मन किया। आपके ही घर से जो है सदर विधायक अति सिंह भी है, इस समय वो पार्टी की गाइडलाइन से अलग इधर काम कर रहे हैं, चर्चाएं हैं कि बीजेपी में जाने जी, उसी बीच आपका पार्टी में आना क्या लग रहा है इसको? ऐसे नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से हम लोगों ने सब लोगों ने तय किया कि हम कांग्रेस में काम करेंगे, उसकी विचारधारा हमें पसंद है, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनकी दूसरी विचारधारा उनको पसंद है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं।